नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की घटना है, जहां पर युवक अपने रिश्तेदार के घर आया हुआ था। माधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र मानपुर रेंज की घटना, बफर जोन के मचखेता बीट के कुमही केपीएफ 333 की घटना है। रात्रि में जवाब देखकर लौटते समय निस्तार के लिए गए युवक पर बाघ ने हमला किया। बाघ के हमले से डोडका निवासी अनुज बेगा पिता महिपाल बेगा उम्र 22 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह जानकारी लगते ही दुखद समाचार आग की तरह फैल गया। सिर अलग जगह पर पड़ा हुआ था। रात्रि में जानकारी न लगने से बाघ सुबह तक कमर के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से खा डाला था। इस तरह से मृत अनुज को देखकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त था। ग्रामीणों ने पीएम के लिए मना कर दिया था। मंत्री मीना सिंह के समझाइश के बाद ग्रामीणों ने टुकड़ों के बचे हुए शव का पोस्टमार्टम करवाया। ग्रामीणों का कहना था कि ये आदमखोर बाघ लगभग 2 महीने से आए दिन घर में बने हुए गौशाला जहां पर मवेशी रहते हैं वहां भी आ जाता है और मवेशियों को किल कर देता है। ग्रामीणों को समझाने के बाद कैबिनेट मंत्री मीना सिंह परिजनों को सांत्वना देने मृत अनुज बेगा के घर पहुंची, जहां पर परिजन अपने पुत्र के खोने का विलाप कर रहे थे। इस दुख की घड़ी में कैबिनेट मंत्री मीना सिंह अनुज बेगा की माता पिता और परिजन को समझा बुझाकर शांत कराने का प्रयास किया। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के समीप में बसे गाँव में जब इस प्रकार की घटना घटती है, उस वक्त वन विभाग की ओर से सरकार लाखों रुपये की राशि देकर परिजनों के घाव भरने का कार्य करती है, लेकिन किसी के परिवार का दुख पैसे से नहीं भरा जा सकता। सतर्कता और सावधानी मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की इस घटना के बाद ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। क्षेत्रीय नेता रमेश मिश्रा, समाज सेवी अरुण त्रिपाठी, तिलक राज सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा, वन विभाग के आला अफसर के साथ अनुविभागीय अधिकारी नेहा सोनी, तहसीलदार राजेश पारस, थाना प्रभारी सुंदरेश मरावी, परिक्षेत्र अधिकारी मुकेश कुमार अहिरवार के साथ लगभग 300 ग्रामीण और जिले भर के पत्रकार मौजूद रहे। जी, आज दिनांक 2 अप्रैल 2023 को यहाँ ग्रामीण और पुलिस के सूत्रों की माने तो टाइगर अटैक के द्वारा एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब उसकी प्राथमिक जांच की जा चुकी है। अब उसका जब सब परीक्षण की पूर्ण जांच आएगी तभी उसकी बाकी बोल बता पाएंगे हम कि उसकी मृत्यु का सही कारण क्या है। जी सर, थैंक यू।